बात कर रहे थे कि भुट्टो ने किस तरह बताया कि फौज ने धांधली की। उन्होंने बताया कि इंतखाबात की ताज़ा तैयारियों को जुदागाना तर्ज इंतखाबात पर इस्तवार करना फ्रॉड के चेहरे का एक और रुख है। आइन के तहत इलेक्टोरल रोल्स की साल के बाद ही नज़रसानी की जा सकती है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर इजाफा आइनी तरीक़ेकार के बगैर नहीं किया जा सकता। मजीद बरां महफूज इंतखाबात के बजाय जुदागाना इंतखाबात को अपनाया जाए, लेकिन फौजी हुकूमत तो आइन को दफन कर चुकी थी। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि फौजी हुकूमत ने अपनी हुकूमत को आइन से बढ़तर करार दे दिया था, जबकि हुकूमत पर जबरी कब्जा सिर्फ और सिर्फ इस वादे के साथ किया गया कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। खुदा के सामने हाजिर और नाजर होकर ऐलान किया गया कि अवाम को आइन के तहत उनकी मर्जी के इंतखाबात का सियासी इख्तियार दिलाया जाएगा। वो लोग जो अब अपने आप को सिर्फ खुदा के सामने जवाबदेह होने का दावा करके अवाम के हकूक सलब कर बैठे थे, उनका ये अमल बदतरीन धांधली और फ्रॉड था। इस फरेबकारी और उसके एक पहलू में दावा किया गया कि सरकारी अफसरों और इंतजामिया के मुलव्वस होने से धांधली हुई है। एक सरकारी अफसरों को किसी तरह इंतखाबात से अलग थलग रखा जा सकता था। अफसरों इंतजामिया पर एक भारी जिम्मेदारी होती है, उन्हें यह जमानत देनी पड़ती है कि नज्म व नस्क और अमन व अमान बरकरार रखा जाए, किसी किस्म की धांधलियाँ नहीं होंगी और लोग वोट तयशुदा तरीके के तहत डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशनों पर औरतों को हरासा नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार इंतखाबी कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, बैलट बॉक्सों के साथ कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। सरकारी अफसरों इंतजामिया के फ़र्ज़ की यह फ़रिश्त इंतखाबात और सरकारी अफसरों और इंतजामिया बगैर किसी तौर मुनक़द नहीं हो सकते थे। इस रोशनी में अच्छे इरादे के साथ ये सोचा जा सकता था कि कुछ अफसरों को कमेटी में शामिल कर दिया जाए, लेकिन बाद में मजीद गौर व फिक्र के बाद उस तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। करतासेबस के सफ़ा 6 पर रफ़ी रज़ा का हवाला है कि जिसने गैर सरकारी अल्फाज पर एतराज़ किया था, टमिगन डिक्टेटरशिप के स्टाइल में मौजूदा फौजी हकूमत जो जवाबात चाहे अपने अंदाज में ढाल सकती थी और बहुत कुछ को कुछ भी नहीं में बदल सकती थी। करतासेबस के सफा 61 पर अफसरों के हवाले से मुझ पर जो हमला किया गया उसमें बयान हुआ है, मिसेज एडे भुट्टो 1974 से ही जब वो इंतखाबात के लिए ढांचा और फ्रेमवर्क बना रहे थे, अपने जहन में इंतजामी सर्विसेज के लिए खास किरदार का नक्शा बना चुके थे। हत्ता कि उस जमाने में जब वो मरहूम सदर अयूब खान की हुकूमत में एक वजीर और कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, वो इस आइडिया के हवाले से जाने जाते थे कि सेंटर जिली सरकारी अफसरों को पार्टी के अरकान बना लिया जाना चाहते। मेरे इन रिमार्क्स को जो गवर्नमेंट हाउस ढाका में एक खास और खुफिया मीटिंग में कहे थे गलत अंदाज में इस्तेहसाल से पेश किया गया। इस इजलास की सदारत सदर अयूब खान ने की थी। शिरका की इतदाद 8 से 10 वजीरों और सरकारी अफसरों जिनमें 2 सूबों के गवर्नर और वक्त के वफाकी सेक्रेटरी कानून मिस्टर जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन से ज्यादा नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है कि मैंने किसी ऐसी तजवीज या ख्याल की हमायत की थी कि मैंने सिर्फ एशिया में राइज तर्ज हुकूमत की कुवतों और खामियों का तजिया किया था और दूसरे निज़ामों की अहमियत से मुवाजना किया जो अवाम की अमंगों की तकमील करती और मुल्कों को इस्तेहकाम बख्शती हैं। ये एशियाई सरजमीनों का एक सियासी सर्वे था। इसमें कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान में राज निज़ाम की मैंने बड़ी गंभीर तस्वीर पेश की थी और मैंने इसे विरसे में मिलने वाली खामियों की निशानदेही भी की थी। मैंने ब्यूरोक्रेसी या उसके बड़े भारतीय मसला फाज के बारे में किसी किस्म की कोई ख़ास तजवीज़ पेश नहीं की थी। ऐसी कोई भी कोशिश बेकार होती। इसमें शरीक बहुत से अफराद या तो फौत हो चुके थे या फिर बांग्लादेश में थे। सिर्फ साबिक वफाकी सेक्रेटरी कानून, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन और मैं ही जिंदा जो एक शहर में 2 खाने सुनाते थे। इसलिए कि अगली कड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।